अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ अभी मस्जिद की तरफ। ये हमारे इलाके की मस्जिद है। अभी जो टाइम हो रहा है तकरीबन असर के बाद का टाइम हो रहा है, तो रोज़ा भी खुलने वाला है। और मैं मस्जिद के आप लोगों को टाइमिंग बताता हूँ। मस्जिद की टाइमिंग है मतलब फजर की टाइमिंग है 6:10 की, और जहर की है 1:30 बजे की, और असर की है 5:30, मगरिब की है 6:40, और ईशा की है 8:30 बजे की, और जुम्मे की है तकरीबन 2:15। तो ये हमारी मस्जिद की टाइमिंग है। और अभी मेरा क्लिनिक का टाइम हो रहा है, तो मैं जाता हूँ क्लिनिक। तो रोज़ा वगैरह का सीन जो है पर ही होता है, रोज़े वगैरह वहीं खोलते हैं। तकरीबन अभी जो एक्जैक्ट टाइम हो रहा है वो 6:40 हो रहा, तो 10-15 मिनट रहेगा मेरे ख्याल में। रोज़ा खोलने में 10-15 मिनट रहेगा, तो अभी चलते हैं क्लिनिक। तकरीबन आप लोग टाइम देख सकते हैं, टाइम देखे 6:30 हो रहे हैं, और रोज़े का टाइम भी होने वाला है, रोज़े खुलने का टाइम भी होने वाला है। और क्लिनिक पे थोड़ा काम वाम भी करना है, क्यों आज तो थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह कल से जल्दी आए। तो पहले जो क्लिनिक की सूरत हाल है वो ये है, खेला हुआ है, अभी मैंने कुछ सामान वगैरह समेटा नहीं है, और अभी अभी एग्जैक्ट इसी टाइम में मैं आया हूँ, और रोज़ा भी खुलने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए रोज़े किस तरह गुजरे पता भी नहीं चला। आज माशाल्लाह 5वां रोज़ा है गुजर गया, मतलब 6ठा कल लग जाएगा। तो देखते हैं कि आगे कैसे हम रोज़े रखते हैं, कि अल्लाह ताला किस तरह हमारे लिए आसानी पैदा करता है, कि किस तरह रोज़े रखते हैं, क्योंकि ठंडा मौसम भी चल रहा है। और माशाल्लाह 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 बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे रोज़े जा रहे हैं हमारे। 5वां रोज़ा खुल चुका है माशाल्लाह। आपकी भाई ने इफ्तारी वगैरह कर ली, अब पढ़ेंगे नमाज। नमाज के लिए हम बाहर नहीं जाते क्योंकि या पेशेंट वगैरह आते हैं तो टाइम हो जाता है, तो नमाज़ यहीं पढ़ेंगे। जाय नमाज भी पढ़ी हुई है, तो जाय नमाज बिछाते हैं, बिछा के नमाज पढ़ते हैं, और नमाज के बाद आप लोगों का वज़ू वगैरह कर लिया था, तो वज़ू करने के बाद अब पढ़ते हैं नमाज सोए मगरिब की। नमाज़ पढ़ने के लिए पहले हम इसको रखेंगे इधर, और यहाँ से उठाएँगे जाय नमाज। हमारा किबला जो है ना वो सामने की तरफ है, तो पहले जाय नमाज बिछाएँगे। जाय नमाज सीधी करते हैं। तो ये मैंने जायनमाज बिछा ली, सामने की तरफ हमारा किबला है। तो क्लिनिक बंद करने की टाइमिंग जो है मैंने सामने लगा दी, आप देख सकते हैं 8 बजे से 10 बजे तक का संडे था रमज़ान की टाइमिंग। तो बाहर वगैरह तुम्हारा भाई आया हुआ था, आने के बाद एक चीज़, हाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, और ये सब बैठ के इन्जॉय करते हैं। तुम्हारा भाई आ गया टेलर की दुकान में जैसे रोज़ाना की तरह, और तुम्हारा सब भाई यहाँ जितना, एक मिनट यार ब्लॉग बना रहा हूँ यार, यार तो भाई थोड़ा डिस्टर्ब डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ब्लॉग में थोड़ा सा ना तुम्हें पता दिमाग इधर हो जाता तो ब्लॉग सट जाता है। तो यार अभी भी मैं आया था सिंकू जैसे कि यहाँ फजर तक तुम्हारा भाई यहीं बैठेगा, और कल भी बैठा था, और ये भाई मेरे साथ थे, और ये तकरीबन रात में मेरे को बहुत साथ, इसने मुझे बहुत मेरा साथ दिया, रात को पूरी रात मेरे साथ गुजारी। वो मेरी दरअसल ना ये टिकटॉक पे वीडियो ना सेफ नहीं हो रही है, कोई आप बता सकते हैं उपाय? आई उपाय, हाँ उपाय आपने अपलोड कर दी? हाँ अपलोड कर दी। अब यहाँ पे आ गए, प्राइवेसी पे अपलोड तो नहीं करी है? नहीं। एक मिनट हम इसके जाते हैं पहले, इसमें बोर्ड पे कौन सी वाली है ये? ये आपकी गई हुई है, ये आपकी गई है, अब ये डाउनलोड हो जाएगी, सही है ये जाए। थैंक यू ब्रो, थैंक यू, लव यू हो गया भाई को, ब्रो ने थैंक यू बोला, और तुम्हारा भाई आ गया। ये सब यहाँ गेस्ट अपनी लगी हुई है, टाइट मज़ा आ रहा है। सर कोई ट्रिक तो बताओ, टिकटॉक पे फेमस होने की ट्रिक पूछ रहा है। अबे अगर ट्रिक होती तो भाई तुम्हारा 4-5 मिलियन लेके नहीं बैठा होता, बताओ उसको। तुम लोगों ने काउंटर में पेनाफ्लेक्स वगैरह नहीं लगाया, खैरियत क्यों, वजह? वजह हम लोग नाम नहीं देते ना, ये जूटों की दुकान है। सही बोल रहे उस्ताद जी। नहीं एक बंदा आया था ना अजीम, हाँ हम लोग रोजाना लड़वाते रहते थे, वो यहाँ से बोलते हुए गया, हम लोग तो ज़ादरान लुकवाते मगर वो कह रहे झूठों की दुकान है। सही, एक बंदे ने बोला, दूसरे ने भी बोला, उसके बाद हमने बोला पेनाफ्लेक्स ही नहीं लगाओ यहाँ पे, दुकान है। सही बोल रहे बकाजी, ये तो एंट्री, तो ये क्या डेटा केबल के साथ क्या कर रहा है, घुमा रहा है, खैर ये टूटती नहीं है ये। अब डेटा केबल इतनी महंगी हो गई है, तकरीबन मैंने जो लिए 400 रुपये की लिए, देखो यार झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं
इसने ना इस डेटा केबल ने मेरी आधी जायदाद बिकवा दी, मतलब बाइक भी बेच दी इसके चक्कर में। बाइक बेच दी? हाँ ना यार, डेटा केबल आया ना उसको कितनी की बेची? अबे नहीं बेची, मजाक कर रहा, तुम्हें सीरियस हो गया कैसा बंदा है यार। अभी यहाँ सैली के साली एली के साथ ये लोग तीनों के साथ है, पहले की गांड फाड़ी थी ना, अभी इस वजह से जबान नहीं, उनकी गांड है। अली ने थोड़ी बोला तेरे, अली ने बुरा थोड़ी बोला। नहीं अली ने बुरा नहीं बोला, अली वही तो बात है, फिर बोलते हैं हमारे कजन के कजन हमारे गलत है, फिर बोलते हैं चोर कजन को लूटो नहीं। बेटा बना वीडियो, बना वीडियो, बना ले, बेटा बना ले। अभी आप बैठा हुआ तो सुकून से अभी तेरे को क्या पंचर के पैसे दे? नहीं नहीं पैसे नहीं, मैं पंचर रहा हूं, गांड मोटा नहीं, वो उधर ही बैठा हुआ है। टाटा हां किधर? पंचर वाले से बता रहा था, पंचर वाले के पास बैठा हुआ है। हां नहीं उसके था वो कोटावाल के होटल के पास। सुन रहे हो आप लोग क्या बोल रहे हैं? ये पंचर तो मैं कौन मोड़ तो लगे मस्जिद के पास और काल जो अकेले अकेले जानू पापड़ भी। वाह 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 वाह, ले 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 अपने जानने वाले यार, खैर का क्यों हूँ, क्या बात कर तूने यार, ऐसी वैसी पत्थन दे कैसी बातें कर रहा है यार, ये अल्लाह का बंदा है। तेरी गाड़ी क्यों पंचर हो गई? पंचर हो गई तेरी वाली? नहीं नहीं पंचर तो नहीं है यार, थोड़ी सी अंधेरा था भाई, तो भाई से थोड़ा कपड़ा वगैरह पूछ रहा है। ये देख दूसरे से पिस्टल ले गया उसको, इतना सब बूटा पापड़ होगा तुम्हारा भाई खाता है मटन तो सिर्फ मटन पकौड़े के कुछ ये ले यार, पकौड़े तो डेढ़ बनाते हैं जिसमें मिर्चे थी वो वाले, ये ले ले पापड़ का, ये सारे ले ले। खैर होगा इसके वाले से भी मुफ्ता मारेंगे थोड़ा सा, तो ब्लॉग को भी एंड करते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। मोबाइल चार्ज कर ले, क्या हो गया तेरे को? अबे तो कर रहा हूँ अल्लाह के बंदे, बस ये ब्लॉग एंड कर रहा हूँ ना, ब्लॉग को एंड करते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, जैसा भी उसको एंजॉय करो, भाई को जल्दी से सपोर्ट करें, भाई की 1K जल्दी जल्दी से कंप्लीट।